हेलो एवरीवन, ये है गर्मा गर्म बेसन के और प्याज के, और ये है साग, वो भी सरसों और पालक का साग है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट में। साथ में अगर चटनी हो जाए, टमाटर का तो वैसे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पराठा बहुत ही क्रिस्पी बन रहा है, बहुत ही हेल्दी। सो फ्रेंड्स, मेरी ये पूरी रेसिपी देखना हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही हेल्दी फूड है, और बेसन की रोटी पूरी जाड़े भर आप ग्रीन वेजिटेबल्स का लुत्फ उठा सकते हैं इसी तरीके से। तो मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे हैं, आइए पूरा विधि आपको बताते हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों और पालक की सब्जी और बेसन की रोटी, और जिसके लिए हमने लहसुन करीब 8-10 कली लहसुन छील के रख लिया, एक लाल हरी मिर्च, और ये हमने धो लिया है सरसों का साग और बिन भी लिया है, और बिनने के बाद इसको महीन महीन हम काट ले रहे हैं। तो हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन भोजन, देसी भोजन बनाने जा रही हूँ, और जाड़े का ये बहुत ही बेहतरीन भोजन है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अभी लहसुन को भी महीन महीन काट लेंगे, साग का मेन मसाला है लहसुन, हरी मिर्च, प्याज वगैरह नहीं डालेंगे। आइए इसमें तेल डाल देते हैं, या तो शुद्ध सरसों का तेल या तो फिर राइस ब्रान ऑयल, थोड़ा सा, एक बड़े चम्मच, यानी कि 2 TSP, थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो आइए जो सरसों, हमने लहसुन का छिलका और लहसुन की कली हमने काट के रखा है, उसको छौंक देते हैं, हल्का सा ब्राउन हो जाए। देखिए ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम साग डाल देते हैं, पालक और सरसों का। डाल देंगे इसको, अच्छे से हमने पहले धो लिया था खड़ा खड़ा, उसके बाद ही हमने कट किए हैं, तो बाद में नहीं धोना है क्योंकि न्यूट्रिशन इसमें से निकल जाता है। तो 1/2 TSP इसमें हम नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही, क्योंकि पालक में भी हल्का सा नमक निकलता है, यानी कि आयरन की मात्रा होता है, तो इसमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है, 1/2 TSP से भी थोड़ा कम हमने डाल दिए। और इसको अब ढक देते हैं, इसको अब हम ढक देंगे। तो आइए अब बेसन के गेहूं का आटा जो बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक बड़ा कटोरा गेहूं का आटा ले लेंगे, यानी 250 ग्राम तक, और 150 ग्राम तक इसमें हम बेसन मिक्स कर देंगे, और इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच हल्दी मिक्स कर देंगे, 1/2 चम्मच सेंधा नमक मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और हरी मिर्च, प्याज वगैरह जो काट के कट करके रखा था धो करके, उसे भी। अब ये हमने थोड़ा सा अजवाइन लेंगे, हाथ से मसल लेंगे अच्छे से, और इसे भी डाल देंगे। और इसी में हम सरसों का तेल या फिर राइस ब्रान ऑयल 1 बड़े चम्मच डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन, पहले के लोग देखिए खाली गेहूं के रोटी नहीं बनाते थे, या तो बजरा के जाड़े में, या तो फिर जोंधरी भी आता था, अब तो जोंधरी का नाम भी सुनाई नहीं देता, और अब तो बहुत सारे ऐसे मिलेट्स आ गए हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट रेसिपी मैं मिलेट्स का भी रखूँगी, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा नेक्स्ट रेसिपी में। तो अभी तो हम बेसन की रोटी के लिए तैयारी कर लेते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा आटा डाल के हाथ से बढ़िया से सान लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद ही थोड़ा सा इसको अच्छे से सान लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सान लेंगे।
और गर्मा गर्म मक्खन या फिर शुद्ध घी, या फिर आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, जो भी आपको घर में पसंद हो। लेकिन बेसन की रोटी जो है देसी घी या फिर मक्खन के साथ ही मज़ा आता है। अब लाइए इसको हाथ से सान लेते बढ़िया। तो डो बन के तैयार है इस तरीके से, प्याज और बेसन की रोटी या पराठा। वैसे पराठा भी बनाएंगे और रोटी भी बनाएंगे। तो आइए सब्जी का हल देख लेते हैं। तो लोई बना के हमने रख लिया है, गोल गोल 9 लोई बन गया है। और थोड़ा बड़ा साइज रखना है, बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाते हैं। आइए देख लेते हैं सब्जी का हाल, पक गया हो गया। इसको पलट लेते हैं। पकने को आया है, बस थोड़ी देर और हो जाए, दूसरी तरफ भी अच्छे से पक जाए। उस समय हमने ठीक से चलाया नहीं था, इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं। करीब 1 से 1.5 मिनट तक ये भून जाए। थोड़ा सा पानी है, जैसे ऐसे दबाओ तो हल्का सा पानी निकलता है, तो ये देख लेना है जब पानी रहे। ये देखिए, क्योंकि नमक डालने से हल्का सा पानी आता है, ये पूरा सूख जाए। करीब 1 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेना है। इसको ढक लेते हैं। ये देख लेते हैं सूख गया है। वैसे बहुत ही बेहतरीन सब्जी बन के तैयार है। अब जो है गर्मा गर्म रोटी सेक लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ अग्निदेव के नाम से या फिर गौ माता के नाम से एक रोटी बनाया जाता है, छोटा सा। इसे पलट लेंगे। तो हल्का सा राइस ब्रान ऑयल दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से चूल्हा के पास रख देंगे। और ये हमने प्याज का और बेसन का पराठा बना दे। तो आइए इसको भी पलट लेते हैं। अब इसमें आप चाहे शुद्ध घी में बनाइए, चाहे राइस ब्रान ऑयल में बनाइए, और चाहे ऐसे ही सेक करके चूल्हे के आंच में सेक करके गर्मा गर्म मक्खन या शुद्ध घी के साथ, तो ऐसे पराठा भी बहुत अच्छा होता है। बच्चों को भी पसंद होता है पराठे, प्याज के पराठे अक्सर हम लोग इसी तरह बनाते हैं। पर ये प्याज और बेसन के पराठे हैं, एकदम करारे करारे बनेंगे। आइए पलट के देख लें। तो देखिए करारे करारे पराठे इस तरीके से तैयार हैं। इसी तरह सारे पराठे बना लेंगे। तो गर्मा गर्म सरसों पालक की सब्जी बहुत ही बेहतरीन। देखिए लहसुन भी इसी में दिख रहा है आपको। तो आइए पराठा और भी हम झटपट तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा भी तैयार है, तो तीसरा भी है तैयार। तो गर्मा गर्म मेरा ये पराठा रेसिपी आपको कैसे लगी? बेसन के और प्याज के एकदम करारे करारे और गर्मा गर्म पराठे बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बना है, देखिए। और इसको अगर आप गर्मा गर्म खाते हो, बच्चों को फास्ट फूड से थोड़ा, अभी तो ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत ही चलन है फ्रेंड्स, और इसी तरह लुफ्त तो उठाइए ग्रीन वेजिटेबल्स के, हेल्दी वेजिटेबल्स। और ये जो सरसों का साग वगैरह अभी तो बहुत सारे चलेंगे, बहुत सारी रेसिपी आपको बताना है। और मिलेट्स की भी रोटी बताना है, पराठे बताना है। Enjoy yourself, be healthy and stay healthy। आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आजकल बच्चे फास्ट फूड तरफ जा रहे हैं जो कि अनहेल्दी होती है। हेल्दी फूड पे ज़्यादा ध्यान दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।